अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है हारिस हनीफ। मैं आया हूँ TRW दी रेप्टाइल्स वर्ल्ड की तरफ से, और नया दिन नई वीडियो। और आज की जो वीडियो है वो बेसिकली एक ऐसे एनिमल के ऊपर है जिसको बहुत ज़्यादा डिग्रेड किया जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से आपको अक्सर बेशतर वो रोडों पे नज़र आते हैं, अक्सर बेशतर उनसे बहुत ज़्यादा काम लिया जाता है। अगर किसी इंसान को डिग्रेड किया जाता है तो उसकी मिसाल देते हैं, यहाँ तक कि इतना ज़्यादा उसको डिग्रेड किया जाता है। अगर आप लोग पहुँच गए हैं तो बिल्कुल, मैं एक गधे की बात कर रहा हूँ, डोंकी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अक्सर बेशतर हमारे माशरे में होता क्या है कि गधे को, डोंकी को बहुत ज़्यादा डिग्रेड किया जाता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्यूट एनिमल होता है। इसी तरीके से हमारे पास एक रेस्क्यू आया है, वो एक प्रेग्नेंट फीमेल डोंकी है। और हुआ क्या कि वही जब काम निकल लिया तो रोड पे ऐसे छोड़ के चले गए, उसको मारा भी बहुत ज़्यादा जाता है। और जब काम निकल जाता है, जब आपका काम नहीं आ सकती वो चीज़, तो उसको ऐसी रोडों पे छोड़ दिया जाता है। अक्सर बेशतर आप लोगों ने मेन रोडों पे देखा होगा। तो बिल्कुल मैं गधे की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले उसको चलते हैं और चल के उसको दिखाते हैं, फिर उसके बारे में आपको बताते हैं। ओके व्यूवर्स, मेरे पास ये गधी खड़ी हुई इस तरीके से आप देख रहे हैं, और इसको हमने रेस्क्यू किया है। रेस्क्यू हमने कहाँ से किया है, ये जो कराची यूनिवर्सिटी वाली साइड है उसकी तरफ एक पहाड़ी है, तो वहाँ पे क्योंकि ये प्रेग्नेंट थी और बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, अब ये गधे वालों के काम नहीं आनी थी, इस वजह से उन्होंने इनको रोड पे ही छोड़ दिया। तो वहाँ से हमें एक भाई ने कॉल करी और उन्होंने अपने पास इसे रखा, और तकरीबन डेढ़ दिन तक इसने कुछ भी नहीं खाना खाया पिया, और पता नहीं कितने टाइम से उस इलाके में ये फिर रही थी। तो हमारे पास कॉल आई, हम फौरन गए, हमने इसे देखा और बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। अभी इसको थोड़ी सी इसकी ट्रीटमेंट करिए, इसकी हेल्थ वगैरह बेटर करी, तो तकरीबन 3 से 4 दिन ही हमारे पास हो गए इसे आए हुए, और अब माशाल्लाह ये बहुत हद तक बेहतर है। होता क्या है, होता ये है कि गधे वाले करते ही हैं कि जब उनका काम निकल जाता है तो ये उसको ऐसी रोड पे छोड़ देते हैं मरने के लिए, कुछ भी करने के लिए, क्योंकि अब ये प्रेग्नेंट हो गई थी, इसको वो चला नहीं सकते थे रोडों पे, इसी वजह से उन्होंने इस गधी को ऐसे ही रोड पे छोड़ दिया। जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके काम की चीज़ नहीं भी है, हमारा आप नंबर ले लें, TRW दी रेप्टाइल्स वर्ल्ड हमारी NGO है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट कोई पैसा कोई फाइन नहीं चार्ज करते, हम ये एनिमल रेस्क्यू करके ले जाते हैं। अगर आप लोगों के भी इलाके में कोई ऐसा एनिमल है, कोई ऐसा गधा वगैरह कोई छोड़ देता है, तो हमें कॉल करके बुला लें, हम फ्री ऑफ कॉस्ट रेस्क्यू करके ले जाते हैं ये एनिमल। और आज की वीडियो बनाने का मकसद ही यही था, आपको बताना था कि जो गधा है ये बहुत ज़्यादा क्यूट और बहुत ज़्यादा खूबसूरत एनिमल है, और ये भी हमारे जिस तरीके से बाकी एनिमल हमारे स्पेरेंट का होना ज़रूरी है, इस तरीके से ये एनिमल भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस तरीके से इसको डीग्रेड किया जाता है, उस तरीके से बराए मेहरबानी इसको डीग्रेड ना करें, और अगर आपको कहीं नज़र आए तो बराए मेहरबानी इन एनिमल्स को ना मारें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे इस इकोसिस्टम के लिए। और बहुत ज़्यादा क्यूट एनिमल्स होते हैं ये भी, अगर आप इन्हें अच्छी नज़र से देखें तो। तो आज की जो वीडियो थी वो बस इतनी ही थी कि आप लोगों को बताना था कि ये जो गधे होते हैं ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और इनको इतना ज़्यादा डिग्रेड ना किया जाए। अगर आपके आसपास भी कोई इस तरीके से छोड़ के जाता है तो सबसे पहले आप उसे मना करें, और अगर आपको नज़र आता है तो आप हमें एक कॉल करें, फ्री ऑफ कॉस्ट आकर ये एनिमल आपसे आकर ले जाएंगे। तो अब हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाएं कि ये प्रेग्नेंट है, हमने यहाँ पे किस तरीके से रखा हुआ है, और हम उसके बच्चे किस तरीके से करवा सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट का हमारा इंतज़ार करेगा, हम इसमें जो है इसके बच्चे आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने एनिमल्स का ख्याल रखें, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।